जाति एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण को सरलीकरण कर लोगों को बेहतर सुविधा देने जाने को लेकर दुर्ग नगर निगम द्वारा बैठक आहूत की गई, जिसमें शहर विधायक, महापौर, सभापति सहित निगम अधिकारी उपस्थित रहे। जाति एवं मूल निवास के प्रमाणीकरण के सरलीकरण को लेकर लोगों को बेहतर सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से शनिवार को PWD के सभागार में दुर्ग नगर निगम द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयोग उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा, सभापति राजेश यादव, MIC प्रभारी अब्दुल गनी, एल्डरमैन रत्ना नारामदेव सहित निगम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सामान्य सभा संकल्प पारित करने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्तियों, परिवारों जिनके पास कट ऑफ डेट के पूर्व के निवास संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है, ऐसे लोगों की जाति प्रमाण पत्र बनाने में अभिलेख के रूप में मान्य किए जाने हेतु साक्ष्य अभिलेख के रूप में प्रमाणीकरण किया जाना है। इस संबंध में विधायक अनवरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, उस बैठक में हमने हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिन्होंने 2019 से जाति एवं मूल निवास के प्रमाणीकरण के संदर्भ में जो सरलीकरण किया है वह निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। अब ये जो प्रक्रिया पहले जटिल हुआ करती थी, लोगों के बीच भटकाव की स्थिति बनी रहती थी, अब वह भटकाव की स्थिति समाप्त होगी और एक प्रक्रिया जिसमें नियम कानून बनाए गए हैं जिस सरलीकरण के, उस नियम कानून के दायरे में आकर ही सारे कार्य संपादित होंगे और ये नगर निगम से पारित होकर MIC से कलेक्टर के पास जाएंगे और उसको वहाँ से प्रमाणित प्रमाण पत्र में दिया जाएगा। तो वो सारे नियम इसमें बनाए गए हैं, जैसे कट ऑफ डेट के पूर्व निवास का कोई उल्लेख नहीं था, वह सब ये सारे चीज़ जो आप जिस बात की जानकारी चाह रहे हैं वो सारे नियम कानून इसके तहत बनाए ताकि उसको अब कठिनाई नहीं होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।